बड़े हिंदी टीवी न्यूज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रुखसाना सिद्दीकी के बारे में, जो के वार्ड 136 जो के गोएंडी में है, जहां की नगर सेविका है समाजवादी पार्टी से और वो मुंबई महिला प्रेसिडेंट भी है। हमने उनका इंटरव्यू लिया, काफी अच्छे से इंटरव्यू हुआ है उनके डेवलपिंग को लेकर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा उनसे ये था कि वो 2017 से समाजवादी पार्टी से नगर सेविका है वार्ड 136 में, तो उनका एरिया का डेवलपिंग कैसा है। तो उन्होंने कहा कि उनके एरिया का डेवलपिंग काफी अच्छा हुआ है। उन्होंने अपने एरिया में 28 टॉयलेट्स पास करवाए हैं। पानी की समस्या जो कि बहुत बड़ी समस्या थी वहां पर, उन्होंने वो दूर की है। रोड की समस्याएं दूर की है और गोवेंडी में जो उनका एरिया है वो एक स्लम एरिया है, जहां पर ऑल ऑफ मुंबई का कचरा जमा होता है और हॉस्पिटल्स के कचरे वहां पर जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारे लोगों को बीमारियां हो जाती है, बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। उसको लिए उन्होंने डंपिंग को हटाने के लिए और SMS कंपनी को हटाने के लिए उनकी योजना चल रही है। और उन्होंने ये कहा है कि वहां की सबसे बड़ी समस्या जो थी पानी की, वो उन्होंने दूर की है। और वहां के जो MLA है अबू हासिम आजमी, वो उनके हर काम में उनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छा डेवलपिंग हो रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि उनके एरिया में BMC की सारी समस्याएं दूर हो, BMC की सारी हेल्प मिले पब्लिक को, इसके लिए वो काफी कोशिश कर रही है। और वहां पर गार्डन जो है वो बनने की तैयारियां चल रही है, जिसका नाम है साई नाका गार्डन, वो बनने की तैयारियां वहां पर चल रही है और फ्यूचर में काफी अच्छा कुछ करने वाली है वो। और हमारा अगला सवाल उनसे ये था कि जो प्रशासन है वो उनकी हेल्प करती है या फिर उनको कोई कदम उठाना पड़ता है अपनी हेल्प के लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी हेल्प तो करती है बट 100% नहीं करती। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि वो सत्ता वाली पार्टी नहीं है, जिसकी वजह से शायद BMC उनकी पूरी तरीके से हेल्प नहीं करती। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो अपने हक के लिए लड़कर अपने एरिया के लिए काम करवाती है, ये था उनका कहना। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आइए हम वीडियो देखते हैं। धन्यवाद मैम। आप जैसे पहले मालोनी में काम कर रही थी, लेकिन अभी आप गोविंदी में जीती है, तो वहाँ पर आपने क्या क्या डेवलपिंग किया है अब तक 2 सालों में? मैं काफ़ी सालों से सोशल वर्क करती रही, लेकिन गवर्नमेंट से मुझे मौका मिला जीतने का, कॉरपोरेटर बनने का। तो जब से मैं जीत कर वहाँ पर गई, मेरा जो वार्ड है वार्ड नंबर 136, वो 100% स्लम है। 100% स्लम होने की वजह से वहाँ पे काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वहाँ के लोगों के बीच रहूँ, उनको सेटिस्फाई करूँ, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादातर समस्या, क्योंकि वहाँ पर गवंडी जो है आपने देखा होगा कि 100% स्लम है और एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है और SMS कंपनी है, डंपिंग ग्राउंड है, उसमें पूरे ऑल ओवर मुंबई के कचरा जो है वहाँ पे डंप होता है, जिसके वजह से बीमारी का रेशियो वहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ पे SMS कंपनी है जो ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का कचरा है वो वहाँ पर जलाया जाता है। ऐसे और ऑल ओवर मुंबई की जो स्लॉटिंग है वहाँ पर होती है, ये 3 ऐसे बड़े तत्व हैं जिसके वजह से वहाँ पे बीमारी का घर ज़्यादा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज ए नगर सेवक। वहाँ पे मैंने देखा कि सारे टॉयलेट की हालत बहुत ख़राब थी, कई हादसे हो चुके थे। आज मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेरे वार्ड के 28 के 28 टॉयलेट हमने पास कराए जो नए बनने जा रहे हैं। अबू हासिम आजमी वहाँ पर हमारे साथ MLA है, जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हमारे हर लड़ाई में खड़े रहते हैं, इसलिए लड़ाई हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। और वहाँ पे कई हाउस गली रोड आप वहाँ पे देखेंगे कि गवंडी बोलने के लिए लगता है कि स्लम, लेकिन आज मैं जाऊँगी, आप वहाँ पे जाएंगे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर सड़क एकदम अच्छी बनी हुई है, सारे रोड हमने नए पास करा दिए, सारी गलियाँ हाउस गलियाँ, सारे टॉयलेट, और पानी इतना आता है कि लोग गाड़ी भी आज पहले गवंडी में बिल्कुल पानी के लिए लोग एक एक बूंद के लिए तरसते थे, कहीं कहीं दूर से पानी आता था, कहीं कहीं पैसों में, क्योंकि पानी के लिए वो हम मदद करते हैं। आज इतना पानी आता है कि लोग पाइप से अपनी गाड़ियाँ धोते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि इतने बड़े स्लम को संभाल के चलना और जहाँ पे बीमारी का इस तरीके का रेशियो है, तो बहुत बड़ी बात है। और आगे क्या क्या सोचा है आपने करने के लिए? आगे हम लोगों ने अभी कई मोर्चे धरने की, हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो बीमारी का जो मेन घर है डंपिंग ग्राउंड और SMS कंपनी, हमारा पूरा लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में वो डंपिंग ग्राउंड और SMS कंपनी वहाँ से हट जाए, ताकि वहाँ लोग बीमारी से मुक्त रहें। क्योंकि बीमारी जब घर में आती है तो इंसान का पूरा महीने का जो बजट है वो पूरी तरह से हिल जाता है। तो हमारा पूरी कोशिश है
जो सुख सुविधा वहाँ पे हम लोगों को नगर पालिका की तरफ से, विधानसभा की तरफ से दे सकते थे वो हम दे रहे हैं, लेकिन जो बीमारी का घर है वो भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी जेल भरो आंदोलन तक कर दिया था SMS कंपनी हटाने के लिए, जिसके वजह से मैं 11 दिन जेल में रही। तो मुझे उम्मीद है, अभी पिटीशन हमने डाला है कोर्ट में और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि नॉर्म्स के हिसाब से वो वहाँ पर डंपिंग और SMS कंपनी बिल्कुल रह नहीं सकती, और नॉर्म्स के हिसाब से काम करेगी तो इंशाल्लाह वो कंपनी बहुत जल्दी हटेगी और वहाँ के लोगों को बीमारी से राहत मिलेगी। आपके एरिया में अभी क्या क्या काम चल रहा है? मेरे वार्ड में अभी हम लोग नए बड़े कामों में अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा अच्छा सा गार्डन बनने जा रहा है, शाही नगर गार्डन जिसको बोलेंगे, कि वहाँ पर गार्डन और ऐसे झाड़ वगैरह होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छे दो गार्डन बनने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो हेल्थ पोस्ट है वो, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, कोशिश करके उसको ग्राम प्लस वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मार्केट का रिजर्वेशन था, कोशिश करेंगे कि BMC की मार्केट वहाँ पर अच्छी बने, मतलब BMC के जो सुख सुविधा हम अपने एरिया में दे सकते हैं वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में सारे काम कम्प्लीट। आप जो भी काम करती है उसमें प्रशासन आपको हेल्प करती है या कोई दिक्कत आती है, आपको एक्शन लेना पड़ता है? हाँ नहीं, बिल्कुल प्रशासन हेल्प तो करती है लेकिन 100% नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी करप्टेड होते हैं, कहीं कुछ अधिकारी पॉलिटिकल लोगों के प्रेशर में होते हैं, जिससे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग सत्ता वाली पार्टी नहीं है। सत्ता वाली पार्टी ना होने के कारण कहीं कहीं दिक्कतें आती है, लेकिन हम लोग सक्षम है, लड़ भिड़ के अपने एरिया का काम, हमारे एरिया को सुरक्षित रखेंगे और काम करके दिखाएंगे बस। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें।